हमारे इस नाम में जो आपको मंत्र दिया गया है, इसमें इतनी शक्ति है, शब्द महल में सिद्ध चौबीसा अंश बिछोड़े बिस्वे बीसा, कि इस हमारे शब्द के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी आप में, बहुत सिद्धियां आ जाएंगी। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि पी वह न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, चौबीसा को ना दल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूरण पटराणी, सतलोक की कहो निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति तुम कर रहे हो अगर इसमें पंचर कर लिया तो ये सिद्धियां प्रगट होने लग जाएंगी और आपका भट्ठा बैठ जाएगा, औरों में प्रभुता आपकी अवश्य हो जाएगी। जैसे अन्य संतों ऋषियों ने एक एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई कोई वर्षों तक अनुष्ठान किए, उनमें सिद्धि आ गई। क्या आ गई? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डला डोया, एक सिद्धि प्राप्त कर ली सब सागरों को पीने की, और वो दिखाए बिना फिर डटा जाना करामात, सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, खाली कर दिए। एक सिद्धि सब सागर पीवे, अरिया बात क्यों कर देते आज हमारे कलयुगी दिमाग में, इन नकली संतों ने बट्ठा बैठा दिया, ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गपौड़ है। अध्यात्म के अंदर जो पावर है यहाँ के किसी भी अणु और परमाणु में नहीं हो सकती। अब क्या बताया है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, काफी लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं श्वास को छोटा करके। फिर बताते हैं, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव है खेड़ी दमकन, मेरे मामा जी का गांव है, और वहां पर गीसा पंथी एक नेकी राम जी थे, गीसा पंथी, वो नारा नारी के नारा गांव के रहने वाले थे, और वो आदरणीय गीसा दास साहिब जी के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव के उस मार्ग को स्वीकार ना करके शिष्य तो बन गए, लेकिन डड़े अपने सत्र के डोए उसने, क्योंकि आदरणीय गीसा दास साहिब जी गृहस्थी थे, बाल बच्चे दार थे, उनके संतान थी, और ये मतलब ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं कराई, कुंवारी थे, और इन्होंने नाम लेकर के वहाँ से निकल गए, और काफ़ी दिन तक ये अपना हठ योग करते रहे। एक दिन खेड़ी दमकन गांव गोहाना तहसील के अंदर है, उसमें बनी में बैठ गए जाके, और कई दिन बैठे रहे, सारी जग सोए को नहीं, लोग देखें छुप के भी देखा गांव वालों ने, अगर देखोगे बाबा जी सोए है कि नहीं सोता, तो उसकी बोल भाला हो गया, भाई महाराज तो दिन रात जाग गया, हमने कदे सोता है ना देखा, और स्वस्थ शरीर है इसका। इस बात पे उड़ा सारा गांव झुक गया, उसका मंदिर बना दिया और गाड़ दिया चिमटा, काल का खूटा गाड़ दिया, और नेकी राम का।
अब कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। फिर कहते हैं एक सिद्धि जो बद्र शरीरम, एक सिद्धि जो पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि जो मनवृत्ति बतावे। यानी इस तरह की सिद्धियां हैं सारी, जो छोटी मोटी मन की वृत्ति बता देता है कोई, तो इनसे कोई लाभ नहीं होने का। परमात्मा कहते हैं शब्द मैल में सिद्ध चौबीसा, हंस बिछोड़े बिस्वे बीसा, परमात्मा से दूर कर देगी ये सिद्धियां, इसके निकट ना जाना। इसको जो अपना मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करके आगे चलेंगे।